हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू पेंटिंग ब्लॉग्स विद त्रिवेणिका। सो आज की वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही मोस्ट रिक्वेस्टेड थिंग। आप सभी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मधुबनी कपड़े पर किस तरीके से बनाई जाती है, उसके टिप्स मैं शेयर करूँ। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके साथ ये एक यूनिक सा वीडियो। सो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप इंक बनाएंगे जो कपड़े के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, और निब से आप काम कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से भी बना सकते हैं। बट सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आज की जो टेक्निक है वो इस तरीके के कॉटन के कपड़े पर भी चलेंगी, आपके पास अगर सिल्क कपड़ा है सिल्क के ऊपर भी चलेंगी, आपके पास किसी भी तरीके का फैब्रिक है उसके ऊपर चलेगी। तो यहाँ पे मैंने ये बहुत ही मोटा वाला जो केसमेंट का कॉटन क्लॉथ है वो लिया है। आप चाहें तो कोई भी अपनी कुर्ती, साड़ी, दुपट्टा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज की पेंटिंग की वो यही है कि हमें फैब्रिक पे पेंटिंग करने के लिए कलर कौन सा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि कलर्स हर तरीके का जो कलर है वो कपड़े के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते हैं, वॉश होने के बाद निकल जाता है। तो ये आज की पेंटिंग की टिप नंबर वन है कि जब भी हम फैब्रिक पे कलर करें तो फैब्रिक एक्रिलिक कलर्स हम यूज़ करेंगे। ये फैब्रिक्रिल एक्रिलिक कलर्स हैं, फैब्रिक के लिए फ्रेंडली हैं और वॉश करने के बाद भी ये नहीं जाते हैं। अच्छी इसको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वॉश नहीं देना पड़ता है। तो ये है आज की टिप नंबर वन कि हमें फैब्रिक पे हमेशा फैब्रिक कलर्स ही यूज़ करने चाहिए। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है, 20 रुपीज़ की ये एक बॉटल मिलती है, आप अपने मनचाहा कलर स्टेशनरी शॉप से परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम डिज़ाइन किससे ड्रॉ करेंगे। तो एक्रिलिक कलर यूज़ करने के लिए आप ब्रश की हेल्प से डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो ब्रश लिए हैं वो बहुत ही पतली टिप वाले ब्रश लिए हैं, जैसे कि 0 नंबर, 2x0, 000, 00, इस तरीके के बिल्कुल ही पॉइंटेड जो ब्रशेज़ होते हैं वो मैंने यहाँ पर लिए हैं, क्योंकि इनसे ही हम अपना डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जब हम कपड़े पर बनाते हैं, क्योंकि कपड़े पे हम बहुत बड़े डिज़ाइन नहीं बनाते, छोटे छोटे डिज़ाइंस बनाते हैं, तो हमें वहाँ पर ये पतले ब्रश की हेल्प चाहिए रहेगी और इसी से हमारा काम बन जाएगा। ये एक लोकल ब्रश है जो कि मुझे कलर्स के पैकेट में मिला था, तो ये भी मैंने रखा हुआ है, इससे कलरिंग अच्छी होती है इसलिए मैंने लिया है। तो ये तो थी ब्रश की बात, लेकिन अगर आप निब से बनाना चाहते हैं, निब अगर यूज़ करना चाहते हैं तो निब कैसे आप यूज़ करेंगे। जब हम निब से फैब्रिक पे पेंटिंग करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों की थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि निब से फैब्रिक पे काम करने का मतलब ये है कि हमारी जो हर चीज़ है वो परफेक्ट होनी चाहिए। तो अभी आज मैं आपको इसमें सबसे पहले ये सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप इंक उसकी बना सकते हैं। तो इंक बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत रहेगी पोरिंग मीडियम की, और आप पेंटिंग मीडियम भी आता है, 25 या 30 रुपीज़ की एक बॉटल आती है, उसको यूज़ कर सकते हैं निब से काम करने के लिए, क्योंकि हमारी जो निब है उसकी टिप को एक ज़रूरत रहती है थोड़ी सी लिक्विड कंसिस्टेंसी वाले इंक की। इसलिए हम यहाँ पर अपने जो हमारा जो एक्रिलिक कलर है उसमें हम मीडियम यूज़ करेंगे, और मीडियम यूज़ करने के बाद एक लिक्विड इंक हम रेडी करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके की इंक के लिए आप कोई भी एम्प्टी बॉटल यूज़ कर लीजिए, उसमें 50% कलर डालिए, 25% उसमें मीडियम डालिए, और उसमें 2 से 4 ड्रॉप्स तक वाटर डालिए। इसके बाद वाटर हम अच्छे, कई बार ये भी आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं मीडियम के लिए क्यों कह रही हूँ, वाटर भी तो हम यूज़ कर सकते हैं, बट वाटर अगर हम ज़्यादा डालते हैं तो कपड़े पे डर रहता है डिज़ाइन को फैलने का, इसलिए 25% मीडियम हम यूज़ करेंगे तो कलर हमारा थोड़ा सा लिक्विड तो होगा लेकिन उसकी शाइनिंग भी रहेगी, प्लस वो कपड़े पर कभी भी फैलेगा नहीं। और 2-3 ड्रॉप्स वाटर डालने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ जिससे कि आप जब उसको डालेंगे तो थोड़ा सा वो इंक की कंसिस्टेंसी उसकी आ जाएगी। ध्यान रहे इस चीज़ का आपको कि कपड़े पे और पेपर पे इंक दोनों डिफरेंट होती हैं। पेपर की इंक पतली होती है,
बहुत ज़्यादा लिक्विड होती है, लेकिन जब कपड़े पे हम इंक से काम कर रहे हैं तो वो थोड़ी सी गाढ़ी होती है, उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी मोटी होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर पोरिंग मीडियम का यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी इंक एक बनाकर रख सकते हैं किसी भी बॉटल में, और जब भी आपका मन करे पेंटिंग करने का या कोई भी कलर कहीं पर भी इसको ड्रॉ करने का डिज़ाइन, तो आप हमेशा उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो हमेशा इसी तरीके से बना के रख लेती हूँ, और जब भी मेरा मन करता है वहाँ पर कभी भी, तो मैं उसको आराम से यूज़ कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, बॉटल में कलर बनाने से एक फ़ायदा ये होता है कि कलर आपका ड्राई नहीं होता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पर है टिप नंबर 2 कि जब भी आप फैब्रिक पेंटिंग करें तो उसके नीचे एक हार्ड शीट ज़रूर रखें। उससे क्या होता है कि आपके फैब्रिक को एक बेस मिलता है और आप डिज़ाइन ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इस कपड़े का बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी स्केल। यस, आप स्केल से पेंसिल की हेल्प से अपना एक रफ स्केच अपने डिज़ाइन का भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्टेंसिल, कोई भी डिज़ाइन का कटआउट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे बनाने के लिए। तो आइए जल्दी से इसका बॉर्डर बना लेते हैं। अब पेंसिल एक रफ बॉर्डर की मैंने लाइन सिर्फ ड्रॉ करी है, जिससे कि मुझे आइडिया रहे कि मेरा जो डिज़ाइन है वो स्ट्रेट और सीधा बने। अब हमें क्या करना है, अपनी निब को इंक में डिप करना है। बहुत ज़्यादा डिप नहीं करेंगे, उसको थोड़ा थोड़ा ही डिप करना है। और ये है टिप नंबर 3, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा डिप करके अपना काम करेंगे तो हमारा जो कलर है वो कपड़े पर गिर सकता है, लग सकता है, और हमारा जो डिज़ाइन है वो ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि हमें हमेशा इस निब की आगे की पॉइंटेड टिप जो होती है वही डिप करनी है, और ये बहुत फिनिशिंग के साथ चलती है। और ये है टिप नंबर 4 कि जब भी आप फैब्रिक पे निब से काम करें तो बीच बीच में अपने निब को एक कपड़े की हेल्प से क्लीन करते रहें। होता क्या है, जब हम फैब्रिक पे काम करते हैं तो जो फैब्रिक की कुछ डस्ट होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, या उसके जो थ्रेड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी निब में आ जाते हैं, और उससे क्या होता है, निब की जो फिनिशिंग होती है वो फिनिशिंग से नहीं चलती है और उसकी जो टिप होती है वो ख़राब होने लगती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन बनाने के बाद उसको हमेशा एक कपड़े से, अपने हाथ में कपड़ा रखें, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने रखा हुआ है, और उसको साथ के साथ क्लीन करके यूज़ करते रहें।
यहाँ पे बॉर्डर रेडी हो गया है और इस डिज़ाइन को सेंटर में मतलब डिज़ाइन ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे एक बाउल की हेल्प से यहाँ सर्कल ड्रॉ करूँगी। आप चाहें तो कंपास भी यूज़ कर सकते हैं और कोई छोटी प्लेट है वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि आपके जो डिज़ाइन मतलब बाउल या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल सेंटर में हो। सो गाइस, यहाँ तक वर्क कंप्लीट हो गया है। अगर अब आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप कोई डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं और इसको फिल कर सकते हैं, और अगर आप फिल नहीं करना चाहते हैं तो इसको इतना भी छोड़ सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर इस तरह से कर्व बना के दो फिश बनाऊंगी यहाँ पर और इसको कंप्लीट करूंगी। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसकी कलरिंग। तो आइए जल्दी से इसको, जब भी आप कलरिंग करें तो कलरिंग करने के लिए हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो ब्रश है वो अच्छे से वाटर में डिप होना चाहिए, एंड देन उसको कलर में डिप करके जो एक्सेस कलर है उसको इस तरह से रिमूव कर लेना चाहिए और फिर उसको यहाँ पर कलर करना चाहिए। यहाँ पर आपको लाइन के अंदर अंदर कलर करना है। अगर आपका ब्रश वाटर में डिप नहीं होगा, क्योंकि ये कपड़ा है तो कपड़ा क्या करता है, बहुत जल्दी वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो अगर आप इसको अच्छे से लिक्विड कलर नहीं होगा, कंसिस्टेंसी थोड़ी सी भी इसकी गाढ़ी होगी तो आपके कपड़े पे कलर नहीं आए कलर नहीं होगा अच्छे से, और वो बहुत ही अजीब सा एक केकी लुक देगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें
कि एक्सेस कलर हमें रिमूव करना है और हमारा जो ब्रश है उसको स्मूथ चलने के लिए हमें उसको अच्छे से वाटर में डिप करके फिर कलर में डिप करके और एक्सेस कलर को रिमूव करना है। तो इस तरीके से इसको यहाँ पर मैंने ये मरून कलर फिल कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे डिज़ाइन डालेंगे और यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगी, इसको पूरा फिल नहीं करूँगी, मैं यहाँ पर इसको आउटलाइन दूंगी। इस तरह से इसको फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये सैप ग्रीन और अल्ट्रा मैराइन ब्लू कलर, इन दोनों कलर से ये पूरा इस तरीके से ये ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर और इसको कलर फिल कर दिया। अब बाकी की कलरिंग कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये पेंटिंग और टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर करी? आशा करती हूँ कि आप उनको फॉलो करेंगे और इजीली किसी भी कपड़े पर डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे और मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर। और ये है यहाँ का फाइनल लुक। ये एक आइडिया के लिए है, कोई पर्टिकुलर एक पेंटिंग नहीं है, तो बस मैंने ऐसे ही आपको डिज़ाइन ड्रॉ करके बताया। अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो।